आप जानते हैं मुंह और तलवार एक ही शब्द है बाइबल में। परमेश्वर ने कहा मेरा वचन दो धारी क्या है, धार का मतलब और मुंह का मतलब एक ही है बाइबल में। धार का मतलब है स्टोमा ग्रीक भाषा में, और मुंह का मतलब भी है स्टोमा। कहता मेरा वचन दो धारी तलवार है, यानी आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो एक धार की तरह होंगे। आप बीमार हो, अगर आपके मुंह से निकला स्लो करो इसे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये एक धार की तरह आपकी बीमारी को काटने वाला है। आपके मुंह का और धार का एक ही मतलब है यूनानी ग्रीक भाषा में। आपको बांझपन का रोग है और आप अपने मुंह से बोले कि मैं इनकार करती हूं बांझपन में जीने से और उसके कोड़े खाने से मैं बलवंत हो चुकी हूं, तो यह मुंह से निकला वचन उस बांझपन को काटेगा और आप फ्री होंगे। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुना, तू निर्बल था, कमजोर था, गरीब था, छोटा था, मैंने तुम्हें चुना बड़ों को लज्जित करने के लिए, उनको शर्मिंदा करने के लिए जो अपने आप को कुछ समझते हैं। पर कहता अपने चुनाव को अब सिद्ध कर, मैंने तुम्हें चुन तो लिया पर उस चुने जाने को अब सिद्ध कर, और परमेश्वर में अड़ा रहे और परमेश्वर में खड़ा रहे, और उद्धार का काम तू खड़े खड़े होके देख जो परमेश्वर तेरे लिए करेगा। आमीन। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार की। कोई मायने नहीं करता आपके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, शैतान आपको क्या दिखा रहे हैं, रिपोर्ट क्या दिखा रही है, आपको मुंह से बोलना है मैं इनकार करता हूं बीमार रहने के लिए, मैं इनकार करता हूं इस बीमारी का, और मैं इनकार करता हूं क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको लगातार बोलना है, और आप बाइबल कहती उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना क्या है जरूरी है। और उद्धार का मतलब मैंने आपको समझाया था क्या है, उद्धार का मतलब सालवेशन, मुक्ति, चंगियाई, डिलीवरेंस, रेस्क्यू, बचाना, वेलफेयर, ये उद्धार का मतलब है जो बहुत बड़ा है। नेशनल उद्धार, शारीरिक उद्धार, मानसिक उद्धार, फाइनेंशियल उद्धार, शरीर का उद्धार, आत्मा का उद्धार। लेकिन अगर तुझे चाहिए तो अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। आमीन।